बिसमिल्ल अस्सलाम अलैक्म स्टूडेंट्स आर यू आल आई दैट डैट आर आल गुड एंड फाइन एट योर होम गुड सो एज़ वेल एज यू नो एम योर इंग्लिश टीचर साहर एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर रीडिंग ऑफ क्लास फिफ्थ सो स्टूडेंट्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पता है कि आपकी स्प्रिंग ब्रेक कैसे जा रही है आई होप कि आप छुट्टियों को इंजॉय करने के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है वेल एंड गुड और इस काम को आपने जो है वो अपनी नोटबुक्स पर कॉपी भी करना है अपना काम रेगुलर करना है आपने और रेगुलर अपने काम को जो है अपनी नोटबुक पर आपने कॉपी करना है सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास फिफ्थ हमने एक सब टॉपिक को रीड किया था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग हमने पहले उसकी रीडिंग की थी हमने उसकी ट्रांसलेशन की थी देन उसके बाद हमने उसकी समरी और वर्ड्स मीनिंग किए थे आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर टू जिसका नाम है डज ही रिमेंबर क्या उसे याद है तो हम लोग जो हैं वो आज इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसके ऊपर आज की डेट और डे मेंशन कर दें आज डेट है सेवनटीन ऑफ मार्च और डे है वेडनेसडे ओके okay, अब हम अपने जो है वो वर्ड्स टू नो को देखते हैं और इनके मीनिंग्स देखते हैं द फर्स्ट वन इज़ बे डीप थ्रोट और लेंथी बार्क बे मीन हलकी आवाज़ कैकोफनी हार्ड साउंड बेसुरा पाना ऐसी आवाजों को बुरी लगे डिटरमाइंडली इन अ डिसाइड और रिजॉल्व मैनर साबित कदमी यानी के पूरे अज़म के साथ किसी भी चीज़ पर साबित कदम रहना एमिटेड गेव आउट लाइट और साउंड एमिटेड मीन गेव आउट यानी कि ख़ारिज करना किसी भी चीज़ को खारिज करना वो साउंड भी हो सकती है और वो लाइट भी हो सकती है फ्रेंटिक इट मीनस जुनूनी ग्रेटली एक्साइटिड ट्रजिड इट मीन्स कि जुनूनी यानी कि बहुत ज्यादा शदीद फम बल्ट ट हैंडल ऑकवर्डली एंड अनसर्टनली टटोलना किसी चीज को जो है वो बार बार टटोलना उस पर जोर आजमाई करना लीश आ चेन और स्ट्रैप अटैच टू दलर ऑफ अ डोग कुत्ते को डालने वाली रस्सी या जंजीर एक वर्ड हम मिस कर गए हैं वो है इल्यूमिनेटेड लिट अप इट मीनस रोशन करना म्यूज टू कंसीडर थॉटफुली पुरख्याल प्रोलोंग लेंथी और ड्रॉन आउट तवील करना लंबा करना रिटर्न हेस्टली एंड अनटाइटली बदखती यानी कि बुरा लिखना गंदा लिखना बुरे तरीके से लिखना स्करी टू गो टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप्स तेज तेज चलना रेंट पुल्ड रफली एंड विद फोर्स किसी को भी जो है चीज़ को जोर से खींचना या घसीटना रिच ट्विस्टेड एंड टर्न इट मीन्स तड़पना मचलना अब जो है हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे सो स्टूडेंट्स आज हम पेज नंबर फिफ्टीन की और सिक्सटीन की रीडिंग करेंगे नाउ लेट स्टार्ट आर रीडिंग माइक वेटिंग एट द गार्डन गेट माइक बाग के दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था देर वाजलुक एंड चेन ऑन द गेट दरवाजे पे एक जंजीर और ताला पड़ा हुआ था या दरवाजे पे एक जंजीर और ताला लगा हुआ था इट वॉज फर्मली सख्ती से बंद था वॉल द गेट देर वॉज अ लार्ज राउंड बटन ऑन दॉल द गेट गेट के साथ वाली दीवार पर देर वॉज अ लार्ज राउंड बटन एक बड़ा सा गोल्ड बटन था अब द बटन देर वॉज अट से बटन देर वॉज सेट बैल बटन के ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था बेल मतलब घंटी माइक होल्ड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस माइक पहले ही इसे एक मरतबा दबा चुका था बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन लेकिन अब इसने इसे दोबारा दबाया ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट एंड एंट्रिंग द कंपाउंड वो कंपाउंड में दाखिल होने का सोच रहा था गेट को फ्लांग कर यानी कि वो गेट को फ्लांग कर कंपाउंड में दाखिल होने का सोच रहा था कंपाउंड मतलब अहा घर के अंदर जाने का बट ही न्यू डेट द लार्ज साइन ऑन द गेट मीन मीन वट इट्स सेट लेकिन वो जानता था कि गेट पर लगी इस बड़ी सी तख्ती पर जो लिखा था वो बिल्कुल दुरुस्त था तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि माइक जो है वो दरवाजे के पास खड़ा था इंतज़ार कर रहा था और दरवाज़े पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था चेन और ताला लगा हुआ था और उसके ऊपर एक लिखा हुआ था बहुत बड़ी तख्ती पर लिखा हुआ था बेल यानी कि घंटी और माइक जो है वो ऑलरेडी उसको प्रेस कर चुका था और अब वो चाह रहा था कि वो गेट के को फ्लॉग कर अंदर चले जाए लेकिन वो ये जानता था कि जो गेट के ऊपर लिखा है इसका क्या मतलब है बी वेयर ऑफ डॉग्स कुत्तों से होशियार रहिए Below the the lettering of the, of this sign, someone had scrawled इस तख्ती के हरूफ के नीचे किसी ने बुरे तरीके से लिख दिया था बदखती से या बुरे तरीके से लिख दिया था दे विल है ब्रेकफास्ट वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे यहाँ पे जो है वो डॉग से बारे में बात रही रूम कि उसके दरवाजे के ऊपर जो है वो तार लगा हुआ है और उसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई इस पर उसके तख्ती लगी हुई जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेल और दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बी वेयर ऑफ डॉग्स और उसका मतलब यह है कि कुत्तों से होशियार रहे हैं। वो तो आप तुम्हें अपने नाश्ते में खा जाएंगे माइक थॉट दिस वॉज एम्यूजिंग बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट माइट बी ट्रू माइक थॉट दिस वॉज एम्यूजिंग माइक के ख्याल में ये बात दिलचस्प थी या yeah, वो इसको जो है वो मजाक में भी ले रहा था बट ही ऑल्सो न्यू डैट इट माइट बी ट्रू लेकिन वो ये जानता था कि ये सच हो सकती है जजिंग बाई द बार्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्राम द हाउस वो भोंकने की आवाज़ों से अंदाज़ा लगाते हुए जो कि घर से उबरती हुई वो सुन सकता था माइक जो है वो ये ख्याल कर रहा था कि शायद ये कोई मजाक है और ये कोई एक बहुत ही दिलचस्प बात है और ये कोई उसके ख्याल में कोई मजाक भी हो सकता था लेकिन वो जानता था कि ये दुरुस्त भी हो सकता है क्योंकि उसको घर के अंदर से जो है ना वो भोंकने की आवाज़ें आ रही थी ही वॉज़ नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क वो किसी किस्म का ख़तरा नहीं लेना चाहता था या वो कोई खतरा मोल लेने वाला नहीं था एंड फूट फॉर दीज क्रिएचर्स और इन कुत्तों का या इन जानवरों का खाना बनने वाला नहीं था बिस इसके अलावा ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स वो गेट वो दरवाजे को फ्लांगने जैसे हरकतें करने के लिए बहुत बड़ा हो चुका था पर हैव द डॉग्स हैड हेयर द बेल रिंगिंग अगेन एंड और पॉसिबली देर सेंस द्रे फॉर देंगमे अगेन गालबन कुत्तों ने बैल के द्वारा बजने की आवाज़ को सुन लिया था और पॉसिबली यहाँ मुमकिन है दे हैड सेंस प्रे कि उन्होंने शिकार को महसूस कर लिया था फॉर द बेंग बम मोर फ्रेंटिक उनके भोंकने की शिद्दत में शिद्दत में इजाफा हो गया था यान के भोंकने में मजीद शिद्दत आ गई थी इट वॉज नॉट अ अ हाउल यल्प पिन भोंकना हाउल चिलाना ये एक बारीक सी चीख या यहाँ भोंकना नहीं था बट अ डीप थ्रोटेड एंड प्रोलोंग बैंग लेकिन एक भारी भरकम और खींचता हुआ भोंकना था यानी कि वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो आवाज़ है कुत्तों की वो अब इतनी ज़्यादा आना शुरू हो गई है कि उसे ये, उन्हें ये लग रहा है उसे ये लग रहा है कि कुत्ते ने जो है वो शिकार को महसूस कर लिया है या शायद उसने उसके बैल करने की आवाज़ को सुन लिया क्योंकि जिस तरह जिस तरीके से वो भोंक रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भोंक रहे हैं दी एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री जानवर साफ तौर पर भूखे थे माइक एंड अबाउट देश माइक इंतजार करता रहा और पुराने दिनों के बारे में सोचता रहा ही शिफ्टिड फ्राम वन फूट टू दिंकिंग अबाउट ऑल दी ओकेज हीड दिस वेरी हाउस ही शिफ्टड फ्राम वन फूट टू दो एक कदम से दूसरे पर वजन मुंतकिल करता रहा एंड थिंकिंग अबाउट ऑल दस ही है वेरी हाउस और इन तमाम मौका के बारे में सोचता रहा जब वो इसी घर में आया था अब जो माइक था वो इंतजार करने लग गया और वो अपने पुराने दिनों के बारे में पुराने दिनों को याद कर रहा है वो अपने एक कदम से दूसरे कदम पर वज़न जो है वो डालता और तमाम मौके के बारे में सोचता जब वो इस घर में आया था जैसे कि इस स्टोरी का नाम है डज़ ही रिमेंबर क्या उसे याद है तो अब जो है माइक वो सोच रहा है अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है दोज वर दी गुड ओल्ड डेज वो अच्छे पुराने दिन थे नबील वाज सच गुड कंपनी नबील नहायत अच्छा दोस्त था या अच्छा रफीक था एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज और उसके वो कुत्ते दे वर लिटल पपीज दैन उस वक्त छोटे पिल्ले थे अब यानि कि वो उन कुत्तों की बात कर रहा है जो कि अंदर भोंक रहे हैं उस वक्त जो है वो छोटे छोटे थे यानी कि उस वक्त वो कुत्तों के बच्चे थे वो छोटे थे वो हो हैड हो ही हैड दीज देम वो इन्हें कितना तंग किया करता था हो टाइम हैड मूव्ड ऑन वक्त कितनी तेजी से गुजर गया था ही वॉज एन अडल्ट नाउ अब वो बड़ा हो चुका था वो अपने पुराने दिनों की याद कर रहा है जब ये जो है कुत्ते जो उस वक्त भोंक रहे हैं अंदर वो छोटे पपीज हुआ करते थे और वो उनको बहुत तंग करता था लेकिन अब जो है वो खुद जो है वो जवान हो चुका है या वो बहुत बड़ा हो चुका है एट लास्ट आख, बिला आखिर जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटल एन जब माइक थोड़ा चिड़ने लगा था एन ओल्ड मैन केम्स करिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस एक बूढ़ा आदमी तेज़ी से घर के दूसरे दरवाजे से बाहर आया ही अपेयर्ड विद हीज़ अर्जेंट शफल टू बी हरिंग बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट ही अपेयर्ड वो वो ज़ाहिर हो रहा था विद हीज अर्जेंट शफ़ल अपने गस, चलते हुए तेज़ कदमों के बदौलत टू बी हरिंग वो जल्दी में लग रहा था बट ही टुक फॉर एवर टू रीच द गेट लेकिन उसे दरवाजे पर पहुंचने में बहुत वक्त लग गया यानी कि उस वक्त एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला है और वो बहुत जल्दी यानी कि तेज कदम उठाते 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 हुए जो है वो जल्दी में आ रहा है लेकिन फिर भी उसे जो है दरवाजे पर पहुंचने में वक्त लग गया ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप ही सर्च ऑल दी वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर एन अदर इस तवील सफर पर, पर वो मुसलसल एक एक करके अपनी जेबों की तलाशी लेता रहा वैन ही फाइनली रीच द गेट ही स्माइल्ड इंडिकेटेड डेट ही हैड फाउंड वट ही हैड बिन लुकिंग फॉर द की टू दैड लुक वैन ही फाइनली रीच द गेट बिला आखिर या आखिरकार जब वो फाटक तक या दरवाजे तक पहुँच गया ही स्माइल इंडिकेटेड डेट ही हैड फाउंड वट ही हैड बिन लुकिंग फॉर तो उसकी मुस्कुराहट ने इशारा दिया कि जो वो ढूंढ रहा है उसे मिल गया है द की टू पैड लॉक ताले की चाबी जब वो जो है वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने अपनी वो जब जब वो आ रहा था तो वो अपनी जेबों में से कुछ तलाश कर रहा था यानी कि बार बार अपनी जेबों को टटोल रहा था और आखिरकार जो है वो जो वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया और वो क्या ढूंढ रहा था वो ढूंढ रहा था ताले की चाबी दी ओल्ड मैन फम्बल्ड विद द कीस एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लोक ने बुढ़े आदमी ने चाबियों के साथ जोर आजमाई की और कुछ वक्त के बाद ताला खोल दिया यानी कि उसने चाबियों को जो है वो टटोला देखा और उसमें और फिर जल्दी ही दरवाजा खोल दिया दी गेट स्क्रिस्ड एज इट वॉज स्वंग ओपन विद समिफिकल्टी The heavy gate squeaked squeaked and screeched. Squeaked का मतलब है चीखना या चीख, screeched चिलाया. The heavy gate squeaked and screeched. भारी बरकम दरवाजा चिचड़ाया और चीखा. As it was swung open with some difficulties. किस कदर दिक्कत के साथ खुलते हुए. यानी कि किस कदर दिक्कत के साथ खुलते हुए भारी भरकम दरवाज़ा चिड़चिड़ाया और चीखा मतलब ये कि दरवाज़ा जो है वो इतना भारी था और जब उसको खोला गया तो उसके चीखने की आवाज़ आई यानी कि जब दरवाज़े को हम खोलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसको जब उसने खोला तो उसको उसमें से आवाज़ें आईं चीखने की या किसी चीज़ को जब घसीटते हैं दी ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन बूढ़ा माइक को अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हो गया ही देन यूज सम एफर्ट टू द गेट शट अगेन फिर इसने किस कदर जोर लगाकर दरवाजे को खेच कर दोबारा बंद किया इट वॉज अपड द गेट हैड नॉट बीन इन अ लॉन्ग वाइल साफ जाहिर था कि दरवाजा काफी वक्त से खोला नहीं गया था माइक the फॉर man टू लॉक द गेट माइक ने बूढ़े को दरवाजा बंद करने का इंतजार किया यानी कि माइक ने जो है वो इस चीज का इंतजार किया कि बूढ़ा दरवाजा बंद करे मोर मोर फमलिंग मजीद जोर आजमाई द फ्रंट डोर और फिर वो उसके पीछे पीछे सामने के दरवाजे तक चला आया अब जब बूढ़े ने दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा जो है वो इतना भारी था कि जब उसको खोला तो उसमें से जो है वो मुख्तफ़ किस्म की आवाज़ें हैं जैसे कि कोई चीख रहा है या किसी चीज़ को ज़ोर से खींचा जा रहा ज़ोर आजमाई करके क्योंकि दरवाज़ा बहुत देर से बंद था ऐसा बहुत देर से दरवाज़ा जो है वो खुला नहीं है तो माइक जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि बूढ़ा दरवाज़ा बूढ़ा बूढ़े का दरवाज़ा बंद करने का और उसने मज़ीद ज़ोर से जो है वो दरवाज़ा बंद किया और माइक उसके पीछे पीछे सामने के दरवाज़े तक चला आया The बेंग from the depths of the house reached new heights. बेंग जैसे कि पीछे पढ़ा था बोंकना यानी कि बोंकने की आवाज़ The बेंग from the depths of the house reached new heights. घर की गहराइयों में से उठती हुई भौंकने की आवाज़ नई बुलंदियों को छूने लगी माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन डिटरमाइंडली staying आ स्टेप बिहाइंड हिम माइक ने यकी बनाया कि वो बूढ़े के करीब रहे इस अजम के साथ इसे एक कदम पीछे पीछे द हॉल हॉल में दाखिल होने पर माइक वॉज शोन इनटू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम माइक को एक बहुत बड़े तरीक रिहायशी कमरे में ले जाया गया दर्टन ऑन द विंडोज कैप्ट आउट द लाइट खिड़कियों पर पड़े भारी बरकम पर्दों ने रोशनियों को रोक रखा था ऑल दो इट वॉज थ्री ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून अगर अगरचा दोपहर के तीन बज रहे थे एंड देर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड और बाहर चमकदार धूप थी अ टेबल लैम्प ऑफ द अ टेबल दैम्प इन इन वन कॉर्नर एमिटेड अ डल ग्लो डेट पार्शली ल्यूमिनेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द रूम

साया देख सकता था यानी कि अब जो माइक है वो हॉल में दाखिल हुआ है वो बूढ़े के ऊंचे आवाज जो है वो कुत्तों के पोंखने की बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई थी तो उसकी जो कोशिश थी कि वो बूढ़े के साथ साथ रहे और वो उसके एक, एक कदम उसके पीछे रहे जब वो हॉल में दाखिल हुआ और वहाँ से उसे जो है एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया तो अंधेरे कमरे में क्या था जो बहुत भारी पर्दों ने जो है वो घर की रोशनियों को जो है वो बंद किया हुआ था यानी कि रोशनी को अंदर आंद से रोका हुआ था और उस वक्त तो दोपहर के तीन बज रहे थे और बाहर जो है वो एक बहुत ही चमकदार किस्म की धूप थी और वो क्या देखता है कि एक कॉर्नर पर एक टेबल लैंप पड़ा जो कि हल्की सी रोशनी खारिज कर रहा है और उसमें उसको किसी इंसान के बैठ बैठे हुए इंसान का जो है वो साया नज़र आ रहा है हेलो डियर माइक केमा ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोई फॉर्म हेलो प्यारे माइक परछाई नुमा वजूद से सलाम आया इट्स बीन मैनी ईयर्स आह नबील इज़ दैट यू आज माइक नर्वसली कई साल गुजर गए आह नबील क्या ये तुम हो माइक ने घबराए हुए अंदाज में पूछा अब जो है वो जब माइक जो है कमरे में आता है तो क्योंकि उसको वहाँ पे एक परछाई दिखाई दे रही है तो वो परछाई से इनके परछाई वजूद से जो है वो माइक को सलाम आया और वो उसको कह रहा है कि प्यारे माइक तुम कैसे हो यानी कि वो उससे उसका हाल हवाल पूछ रहा है और माइक जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान है और वो हैरानगी में ये कह रहा है कि नबील ये तुम हो पीछे हमने पढ़ा कि वह पुराने दिनों को याद कर रहा था तो वो ये सोच रहा था कि न, के नबील जो है वो एक बहुत अच्छा दोस्त था या बहुत अच्छा साथी था तो अब जो है इसका मतलब है कि वो नबील के पास आया है और वहाँ पर नबील मौजूद है तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो स्टोरी में क्या होता है इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के लेक्चर का यानी कि टमोरो लेक्चर का तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैलोज़ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टे होम स्टे सेफ हाफिज़ बिसमिल्ल रन अस्सलाम अलगम स्टूडेंट्स आई होप यू आर आल फाइन आई एम इंग्लिश टीचर सहर टूडे द डेट इज़ सिक्सटीन ऑफ मार्च एंड डे इज़ ट्यूजडे हम लोगों ने कल स्टॉपिंग बाय बाई ऑन स्नोई इवनिंग की आ, रीडिंग की थी और हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा था पोइम का तो आज जो है हम पॉइम के वर्ड्स मीनिंग और उसकी समरी को देखेंगे और ये हमारा आज डे वन है और आपने जो है वो इस काम को अपनी नीट कॉपीज पर एज इट इज कॉपी करना है सब टॉपिक है हमारा स्टॉपिंग बाय व ऑन अ स्नोई इवनिंग और सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं देर आर फाइव वर्ड्स द फर्स्ट वन इज स्क्र इट मीन्स अजीब फ्लेक बर्फ के टुकड़े हार्नेस घोड़े की जेन डाउनी नरम स्वीप हरकत नाव वी विल सी द समरी ऑफ द पॉइंट In this poem the poet Robert Lee Frost tells us about a traveler who is going through woods The lake is frozen and snowflakes have covered everything ये पोयम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इस पोयम में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है वो हमें एक ट्रैवलर यानी कि मुसाफिर के बारे में बता रहा है जो कि एक जंगलात में से गुजर रहा है The lake is frozen and snowflakes have covered everything झील जमी हुई है और जो बर्फ है उसने हर चीज़ को कवर किया हुआ है द ट्रैवलर इज़ कैप्टिवेटेड बाई द ब्यूटी ही स्टॉप्स बाय द वुड्स ऑल दो देर इज़ नो फार्म हाउस नियर बाय जो ट्रैवलर है वो उस खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और वो वहाँ पर रुकता है ये जानते हुए भी, भी कि वहाँ पर किसी के तरफ का कोई फार्म हाउस नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी वो उन जंगलात में रुक जाता है his horse is confused and shakes his harness. and shake his harness bell the traveler has no time to stop as he may he has many things to do he continues his journey उसका घोड़ा जो है वो भी कंफ्यूज होता है और वो अपनी जो है वो बैल को हिलाता है ये क्योंकि उसका घोड़ा ये समझ समझता है कि शायद उससे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो रुका है वो ये समझ नहीं पा रहा कि वहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्रैवलर वहाँ पर क्यों रुका है और ट्रैवलर के पास जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं कि वहाँ पर रुक के चीज़ों को देख सके और वो अपना सफ़र को जो है वो जारी रखता है ओके okay, स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस समरी और इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से याद भी करना है और अपनी नीट कॉपीज पर एज इट इज़ इसको कॉपी भी करना है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़